आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने अधिकारियों पर लगाया 2,65,000 रुपए का अर्थदंड। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सोपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। हजरत कासिम की शहादत पर बड़े इमामबाड़े से निकाला गया मातमी जुलूस। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने गांधी पार्क से निकाली जन जागरण यात्रा। रामपुर में आयोजित हुई ताइक्वांडो प्रतियोगिता में ओजिमा संस्थान के खिलाड़ियों ने जीते 9 पदक। जिला महिला अस्पताल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। श्री वैश्य अग्रवाल सभा द्वारा सम्मेलन न किए जाने के बारे में दी गई जानकारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट के सभागार में आज राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 51 वादों की सुनवाई करी और अधिकारियों पर 2,65,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। किसी को भी कि ये दंड जो मेरे बगैर सुने हुए लगाया गया है, पक्षियों ने या मेरी कोई गलती नहीं थी तब भी कार्रवाई हो गई है, तो उसे एप्लीकेशन देकर उस कार्रवाई को वापस लेने, उस कार्रवाई को समाप्त करने का राइट है। ये आयोग के उसके ऊपर डिपेंड है कि आयोग जो है उसमें नोटिस इशू करता है वादी और प्रतिवादी दोनों को, और फिर सुनता है कि ये कह रहे हैं इनके ऊपर दंड जो अधिसूचित किया गया है उसे वापस दिया जाए। आपको क्या कहना है? वादी की फिर भी बात सुनी जाती है, उसके बाद में आयोग आदेश पारित करता है। आयोग को आदेश वापस लेने का राइट है नियम 2015 के तहत। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ता आज नगर अध्यक्ष रोहित गई के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से, जिस कारण माल भाड़ा भी बढ़ रहा है, सब चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि यदि माल भाड़ा बढ़ेगा और फैक्ट्री में पहुंचने में कोई चीज़ महंगी होती है, उपभोक्ता को भी वो चीज़ महंगी दर पे मिलने का काम होगा, उसके कारण उपभोक्ता सामने का शिष्टमंडल माननीय जिलाधिकारी महोदय से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग के लिए आया है। हम लोग चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में शामिल हो जाए, आम उपभोक्ता को राहत मिले, व्यापारी को राहत मिले, ताकि क्योंकि उससे कारण क्या होता है, व्यापारी लोग सोचते हैं कि व्यापारी महंगाई कर रहा है। मुहर्रम की 7 तारीख पर आज जाफर नवाज स्थित बड़े इमामबाड़े से हजरत कासिम की शहादत की याद में मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें अकीकतमंदों ने भारी तादाद में जंजीरों में बंधी छुरियों का महावे हाथों से अपने शरीर पर मातम किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग उपस्थित रहे। जाली माला।
उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा आज गांधी पार्क से प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम नारंग के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, अब चलो थोड़ा सा, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। 16 सितंबर को रामपुर मनिहारान में आयोजित हुई ताई कमांडो गोल्ड कप प्रतियोगिता में नगर के ओशो हेल्थ टेम्पल के ओजिमा संस्थान के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 1 रजत व 2 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जिनका आज संस्थान कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। अभी रामपुर मनिहारान के वाइट वर्ल्ड स्कूल में 16 तारीख में ताइक्वांडो का टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें ओजिमा की टीम ने प्रतिभाग कर 9 साधकों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज ओजिमा की टीम ने जीते हैं। जिला महिला चिकित्सालय के सभागार में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएँ वे अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री वैश्य अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि 8 वर्ष से लगातार सभा महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल वैश्य सम्मेलन करती आ रही है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मुट्ठी भर लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिसको लेकर इस बार अग्रवाल सभा ने वैश्य सम्मेलन ना करने का फैसला लिया है। जो कार्यक्रम हमारा भुवनेश्वर फील्ड में होता था, तो वो हमने इस साल के लिए कैंसिल कर दिया। अगले साल जैसी भी रूपरेखा बनेगी, जैसा भी समय माहौल होगा, उसके हिसाब से विचार किया जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया। इसके बाद खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में खूब दमखम दिखाया। खेल कार्यालय द्वारा आयोजित हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज प्रथम दिन है, उसमें हमारे सहारनपुर के बच्चे मुक्केबाजी अच्छे से खेल रहे हैं और यहाँ पर आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।